हर किसी के लाइफ में एक सपना होता है कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, नाम रोशन करे। जिंदगी में कुछ लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग हैं जो वकालत करना चाहते हैं और एक अच्छा एडवोकेट बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि कैसे बने। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप एक सक्सेसफुल एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। जी हाँ, ये वीडियो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं और इसमें हम आपको सक्सेसफुल एडवोकेट बनने की पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले बात करते हैं LLB क्या है, व्हाट इज LLB, कैसे LLB की पढ़ाई करें, हम लॉयर की पढ़ाई कब कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। दोस्तों, वकील बनना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे ज़रूरी है एक बेस्ट और काबिल एडवोकेट, क्योंकि हर साल कई सारे लोग वकालत की पढ़ाई शुरू करते हैं और उसमें से कुछ ही वकील एक बेहतर वकालत कर पाते हैं। तो एक वकील यानी एडवोकेट कैसे बने, ये जानने से पहले आपको सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर LLB क्या है, इसके करने से क्या फ़ायदे हैं और LLB का फुल फॉर्म क्या होता है, इसके लिए क्या योग्यता चाहिए। चलिए बताते हैं आपको LLB के बारे में। क्या है LLB, व्हाट इज LLB? LLB का फुल फॉर्म है लेगुम बचकाउलेरस, जो कि एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसे बैचलर ऑफ लॉज भी कहते हैं। ये एक बैचलर डिग्री है जो 12वीं क्लास पास करने के बाद कर सकते हैं। अगर आपको भारत लॉ यानी भारतीय कानून के बारे में ज़्यादा जानना है और समाज की सेवा करके अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आपको LLB में कानून के बारे में अच्छे से पढ़ाया जाता है ताकि आप किसी निर्दोष को अगर पुलिस पकड़ती है या उससे जेल होता है तो आप उसके पक्ष में लड़कर उसे बचा सकते हैं, जिन्हें हम वकील भी कहते हैं। हमारे देश के वकीलों को कानून के बारे में सब कुछ पता होता है, तो अगर कोई कानूनी चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए तो हम किसी वकील को बुलाते हैं। तो LLB की पढ़ाई करने के बाद आप एक वकील बन जाते हैं। इसके बाद आप चाहे तो कोर्ट में जज भी बन सकते हैं। इसके लिए कई तरीके के कोर्स होते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सरकार भी कई तरीके की वैकेंसी निकालती है, कई तरीके की रिक्तियां निकलती हैं जिसमें LLB मांगे जाते हैं। LLB करके या LLM करके या जो भी लॉ के कोर्स हैं उनको करके आप सरकारी नौकरी भी पा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, LLB कोर्स दो तरह के होते हैं। एक होता है 5 साल का कोर्स और दूसरा होता है 3 साल का कोर्स। अगर आप 12वीं पास करने के बाद सीधा लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 5 साल पढ़ना होगा लॉ कॉलेज में, लेकिन अगर आप 3 साल वाला कोर्स चुनते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन करना होगा, तभी आप 3 साल वाला LLB कोर्स चुन सकते हैं। अगर आप एक एडवोकेट बनना चाहते हैं यानी LLB करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए। चलिए बताते हैं कौन कौन सी योग्यता चाहिए आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर LLB कोर्स। एडवोकेट बनने के लिए योग्यता, एक एडवोकेट के लिए या फिर इसकी पढ़ाई करने के लिए आपके पास कुछ शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, तभी आपको कानून की पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बताते हैं एक वकील बनने के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपके पास 12वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 12वीं के बाद वकालत की पढ़ाई करना चाहते हैं जो 5 साल के लिए होती है, अगर आप 12वीं के बाद लॉ पढ़ाई करते हैं तो आपके 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप 3 साल की वकालत करना चाहते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएट होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कॉलेज पढ़ने के बाद लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। वकील कैसे बने, हाउ टू बिकम एन एडवोकेट। अब आपने जान लिया है कि LLB कोर्स क्या है, इसे क्या करना है, कैसे करना है और एक कानूनी वकील बनने के लिए हमारे पास क्या क्या शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि कैसे एक सक्सेसफुल वकील बने। एडवोकेट बनने की पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। 12वीं कक्षा पूरी करें। वकालत की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं तक स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होगी। अब आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर सकते हैं, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस सब्जेक्ट हो। अगर आप आर्ट्स पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आपको कुछ हद तक लॉ के बारे में भी बताया जाता है।
अब लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे, जैसे ही 12वीं की परीक्षा पास कर लेते हैं और इसके बाद आप लॉ यानी वकील बनने की पढ़ाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। भारत में ऑल इंडिया लेवल पर सीलेट यानी कि क्लैट CLAT एग्जाम काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिसका पूरा नाम है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इस एग्जाम को देने के बाद आप लॉ कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जो कि पूरे 5 साल का कोर्स होता है। इस एंट्रेंस एग्जाम में एक कॉमन टेस्ट होता है सभी लोगों के लिए जो भी लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं। इसमें आपसे इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, गणित और जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। सीलेट एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के बाद आपके कम से कम 12वीं पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ। इसके अलावा आपकी उम्र 20 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। इस एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कुछ और भी कॉलेज हैं जो आपको अलग से लॉ की पढ़ाई